आलू भी डाल दीजिएगा। हाँ, जिस वजह से आज हम यहाँ पर आए टिक्का बिरयानी खाने, ये आप देख लो लाइव ग्रिल हो रहा है और आप यहाँ पे बिरयानी में टिक्का ऐड करा सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। भैया आज हम लोग आए हैं इंडियन किचन, ये शाहराह फैसल पे लोकेटेड है। और इंडियन किचन की एक खसूसियात ये है कि भाई मेन शाहराह फैसल PCHS ब्लॉक 6 के बीच में लोकेटेड है ये, और सब ऑफिस वाले जो है ना एक दफ़ा इंडियन किचन का खाना ज़रूर ट्राई करते। पहले हम यहाँ का दाल चावल ट्राई करते थे, लेकिन अब दाल चावल 320 रुपये का हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए इनका चिकन टिक्का बिरयानी और इनका बिहारी बोटी बिरयानी। अच्छा, ये दो डिफरेंसेस होते हैं इसमें, एक सीख इसकी ये डल जाती है और टिक्का डल जाता है, ठीक है। बाकी जो है ना, अगर टिक्के को साइड में कर दो, बिरयानी वैसी ही है। अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कि भाई ये 300 कितने हैं भाई, अली भाई 340 रुपये सिंगल बिरयानी खाना चाहिए हमें या नहीं खाना चाहिए? वैसे इंडियन किचन बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और दोपहर के टाइम लंच वंच में ऑफिस वाले जो है ना भरे हुए होते हैं, यहाँ पे रश लगा हुआ है और शोर शराबा हो रहा है। अंकल एक ये कर दीजिएगा चिकन, कहाँ गया चिकन टिक्का बिरयानी, और एक जो है ना ये कौन सी चिकन बिहारी बोटी। अच्छा, बस ये सिर्फ बोटियाँ इसके तब्दील होती है ना, बाकी बिरयानी तो वही है ना, चिकन में ही होगी, बस सही है। बाकी वो जो बोटियाँ जो सही है, ठीक है। अच्छा, वो ऊपर से डाल के दे, चलो सही है, वो बनी हुई है। अच्छा, टिक्का यहीं से डले आएगा ना बिरयानी में, टिक्का बिरयानी में, सही है। और बिहारी बोटी में, बिहारी बोटी यहाँ बनेगी और बिरयानी में डल जाएगी, ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है, वैसे आम मिलती नहीं है कराची में ऐसे। एक सेकंड, ये बिरयानी खोलना, ख़त्म हो गई है, आ रही है, बस सही है। हाँ बस सही है, जो आपको सही लगे। थाई डाल दो, एक पीस डालेगा इसमें, सिंगल में एक में, सही सही है। आलू भी डाल दीजिएगा, सही है। अच्छा भैया, लाइटिंग थोड़ी सी कम है और पंखा चल रहा है ऊपर, लेकिन ये आपको दिखा देते हैं, ये टिक्का शॉर्ट में आपको दिखाया। एक टिक्के के दो पीस होते हैं, लेग और थाए, तो हमने जो है थाए ले लिया। 340 रुपये मुझे पहले ही ज़्यादा लग रही थी बिरयानी का, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी बनाना चाह रहे थे बिरयानी की, तो मेरे करीबी जो है ना वो इंडियन किचन ही था, तो मैंने सोचा यार चले जाते हैं थोड़ा डिफरेंट वैरायटी दिखा देते हैं, क्योंकि इंडियन किचन की वीडियो मैंने लास्ट से लास्ट ईयर बनाई थी जितना मुझे याद आ रहा है, तो थोड़ा टाइम हो गया था, इंडियन किचन को भी दिखा देते हैं। तो गीले लग रहे हैं चावल ना, वैसे कड़क नहीं है। देख, एक ही होती है बिरयानी की, बस बोटियाँ चेंज हो जाती हैं। अगर आपको बोटी डिफरेंट चाहिए, अगर रेगुलर चिकन बिरयानी चाहिए, तो इसके अंदर जो बोटी होती है वही ऐड करते हैं। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन ये, थोड़े से मुझे चावल गीले लग रहे हैं, थोड़े जैसे खड़े चावल जो होते हैं ना वैसे नहीं, बाकी चावल का साइज़ काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। ये दिखा दे, जिस वजह से आज हम यहाँ पर आए टिक्का बिरयानी खाने, ये आप देख लो लाइव ग्रिल हो रहा है और आप यहाँ पे बिरयानी में टिक्का ऐड करा सकते हो। बाइट बनाते हैं आपके सामने, ये भाई टिक्के का पीस हो गया, बिरयानी क्वान्टिटी ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 340 रुपये की प्लेट है। हमने तो डिफरेंट वैरायटी की वीडियोस बनाई है, 100 वाली बिरयानी बनाई है, 120 वाली, तो थोड़ी सी ये मिड से हाई लेवल की है। अगर अभी मुझसे पूछेंगे आप इसकी रेटिंग क्या दोगे चावल के हिसाब से, तो आई एम गोइंग टू गिव इट 7 out of 10। चल रही हमारी, इसके साथ ही हमारे पास आ गई है बिहारी बोटी, ये बस एक बोटी ले लेते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं इसके टेक्स्चर वाइज क्या सीन है। बाकी बिरयानी वही है भाई, देख आपको मैंने दिखाया,
जब देग वही बिरयानी वही तो बोटियाँ चेंज हैं। एक टेस्ट देके आपको मैं बता देता हूँ माशाल्लाह से तो फ्लेवर कैसा होने वाला है। ये भाई बोटी बोटी है, लेकिन एक चीज़ हाईलाइट करने की, ये चिकन बिहारी बोटी है, बीफ बिहारी बोटी नहीं है। तो ये है और तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो भैया हम लोग आए हुए थे इंडियन किचन, ये आप देख सकते हो पीछे काफ़ी पुराना इंडियन किचन। आने की वजह इनके चिकन टिक्का बिरयानी और बिहारी बोटी बिरयानी थी। काफ़ी वैरायटी होती है इनकी बिरयानी में, बिरयानी की देग एक ही होती है लेकिन बारबेक्यू पे फ्रेश बारबेक्यू बन रहा होता है और वो ऐड कर देते हैं। 340 रुपीज़ की थी बिरयानी, मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। टिक्का मुझे वो जो ओरिजिनल टिक्का होता है वो उसके अंदर डल गया, तो टिक्के का टेस्ट की वजह से बिरयानी थोड़ी मुनासिब लगी। रेटिंग वाइज मैंने आपको वीडियो बताया, आई एम गोइंग टू गिव इट 7 out of 10। मुनासिब रहा, अगर मूड हो आपको डिफरेंट खाने का और कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा हो तो इंडियन किचन चले जाएं, नहीं तो वो आपका मर्जी है भाई, क्योंकि फेसबुक कमेंट्स पे तो लोग फिर आसरा ही नहीं करते, ये सीन होती है। लेकिन इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।